अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज आपका भाई जो लीक की वीडियो आया है वो देख ली होगी। अब आपको ये देख रहा है कि भाई ने इस जो रश को सर्वाइव किया है या नहीं। ये पूरा पाकिस्तानी स्क्वाड था और लॉबी बहुत टाइट आई थी, बड़ा मज़ा आया था। मज़ा ये कि इस मैच में मेरा माइक हो गया ग्लिच, तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही। तो भाई सबसे पहले लाइक बटन ठोक दो और सब्सक्राइब, मैं सब्सक्राइब कर दो। सी बी ने बोला ऐसे जैसे पता नहीं कितनी के मेरे 100-200 के सब्सक्राइबर्स है और लाइव स्ट्रीम चल रही है, फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर टक करके देख रहा हूँ 5000 लाइक्स हो गए ऐसे। खैर है, इंशाल्लाह ये भी होंगे। बहरहाल तो भी चलते हैं वीडियो की तरफ। सीधे जाके हम उतरे हैं रोजो को और उतरते ही गन फाइट है, क्योंकि जो पीछे एक स्क्वाड उतरा था उसके पास उतरी स्क्वाड हाउस में, स्क्वाड उतरा है स्क्वाड हाउस में, ठीक है। पिस्टल मिली, फिर स्कारल और वो थॉम्सन मिल गई, और उसके बाद AKM मिल गई। मैंने थॉम्सन को डैमेज किया, मैं थॉम्सन को हटा के मैंने सोचा कि क्यों ना AKM और स्कार रख दिया, मतलब एक स्टैंडर्ड गन है, मतलब बचा लेंगे थॉम्सन को, उम्मीद है क्योंकि ये तो खुद अपनी ओर से ही चलती है। तो एक टीम में भी रश हुआ, उसकी हाफ एच पी हुई पहले, फिर उसको वो एक बंदा ज्वाइन हुई थी उनसे गन फाइट हुआ, वो ले गया दूसरा बंदा, ये गया दूसरा बंदा उनसे फाइट ले रहा, क्योंकि मुझे लगा वो बंदे सामने वेयर हाउस में और स्क्वाड हाउस में थे, और मुझे पता चला एक बंदा आया, ये लो था थोड़ा सा, 3-4 गोली उसी चले गए। उसके बाद सर गन स्विच करके आपके भाई ने जो मारे, इनका एक टीममेट बहुत दूर था वो भी आएगा, पर अभी ये थे एक मेरे बंदे, एक मेरे टीममेट ने मार दिया, दो मैंने मार दी, एक आया उसको मैं मारूंगा। तब रिवाइव की बारी, तो सबसे पहले जिसका मैच उसको देखूंगा, और नंबर 3 तो मेरा दिल कर ही नहीं रहा था। एक बॉट आया घूमते फिरते उसको मारा, और अब नंबर 3 को मजे की बात है, नंबर 2 सोच रहा नंबर 1 देगा, नंबर 1 सोच रहा नंबर 2 देगा, नंबर 3 को रिवाइव दिया ही नहीं, फिर जाके मैंने दिया। और मैं जब लूट कर रहा था इस प्लेट की, तो मुझे साउंड आया कि पीछे बंदा आ रहा है, और जब मैंने देखा वहाँ पे तो ये उनका आखिरी बंदा था जिस शॉट हमने मारे थे, ऐसे नूब आया था खुद ही चला गया। नहीं उनका बंदा नहीं था, वरना ये फिनिश होता, मारे जो भी था बस स्किल मिल गया 4 किल, ठीक है। देन मैं हील जब कर रहा था, अब मैं हील कर रहा था तो मुझे साउंड आ गया स्क्वाड हाउस में बंदे हैं, और वो बंदे 2 हैं, ठीक है। जैसे ही हम जा रहे थे घुस रहे थे, तो आवाज़ आ गई नेट आ गया, नेट आ गया, हम पीछे हो गए, सब पीछे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। देखी जाएगी पर नेट से बचो, क्योंकि नेट से आज बड़ी ख़तरनाक सीन हुए हैं। अगर ये वीडियो मेरी हसान भाई देख रहे हैं, हमारे लीडर, तो वो ज़रूर समझ पाएंगे कि मैं किस नेट्स की बात कर रहा हूँ। ये नेट हुआ, ये टीममेट ने टीममेट को ही उड़ा दिया नेट से, जैसे हमने एक किल कर दी, किल करने कितना हेल्प, हम फ्री फायर करते थे, और ये नॉक वाला मुझे बंदा मिला, मैंने इसका किल उठाया, और आगे एक बंदा था मेरे टीममेट को उसको मारा, देखो उसको बहुत प्यारा प्लेयर था ये, उसे नंबर 3 के HP देखो, नंबर 2 के HP देखो, कितनी कंफर्ट हो गई। अब हो चुका है वो सीन जिसका आप इंतजार कर रहे हो, जो आप देखते हैं आए वो क्या है, जैसे हम लोग यहाँ गए तो डासे के बाद पीछे देखा है तो ये, और मैं भूल गया कि मैंने किचन में पूरे चलाया, मैं भागा, चलो लोग बस आज भागना, आज भी एक टीम मेट नॉक, उसको फिनिश करेंगे ये लोग फौरन। और जैसे तो देखो भाई जान 2 HP पे भाई ने पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ के मारे, ये भी मारे भाई हैं, और ढूंढ ढूंढ के मार के बैंड बजा जिस बात की तालियां और लाइक प्लीज। अब उनका जो आखिरी बंदा था वो जब से ऊपर ही बैठा हुआ था, और आई नीचे आई नहीं रहा था, साइड से उसको स्प्रे दिया, वो नीचे गया, और नीचे से मेरे बंदे उसको पड़ गया डाउन। अब जो एक दुखी दास्तानियाँ शुरू हुई कि सामने से रिच के बंदे, और आजकल आपको पता होगा कि रिच का एक ग्लिच चल रहा है, वो बंदे तो मतलब रिच ही बहुत हवा में नजर आते हैं, लेकिन वो रिच के पीछे होते हैं। तो ये सीन हमको यहाँ दिख रहा था, दिखाता हूँ वो बंदे दिख रहे अभी तो आप, वो तो नहीं दिखेंगे सर, देखेंगे वो गाड़ी भी दिख रही है साइड पे, और ये 3 बंदे मैंने पहले एक कनेक्ट किया, समझ गया दूसरा तीसरे को दिया, तो भाई ने नॉक करा, उसका नाम है AS बिलाल। अब हमने बोला एक नॉक के तो रश है, गलती हमने ये की कि मैंने पूरी रोटेशन दी, मतलब पूरे लेफ्ट साइड पर घूम के जब रश किया तो वो रिवाइव हो चुका, हीलिंग कर चुका, तो अब वो दोबारा से 3 बंदे नेट वेट्स किए, एक बंदे को देखा तो डैमेज दिया, टीममेट ने नॉक किया। अब जैसे ही मैं उठूंगा स्प्रे देने, तो पता नहीं भाई को क्या दुश्मनी, ये फिलहाल साथ हाथ की मर्जी। अब
ये मुझे गोलियां समझ नहीं आई कि मतलब मेरा रिस्क शायद कवर नहीं रहा होगा, उसको मेरा हेड दिख रहा होगा, उसने मुझे नॉक कर दिया। और फिर जवान का बच्चा दो टीममेट्स के सामने से हट के रिवाइव छोड़ के भाग के मुझको, मेरा टीममेट उसको गोलियां मारा है फिर भी मुझको फिनिश करने आया है, क्योंकि वाइट ही देख लिया था उसने, वाइट ही का काम ही ऐसा है। बस सर क्या कर सकते हैं। तो फिर हमारी टीममेट ने फाइट ली और फिर इनका भी आगे चल के इंतकाल हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। और लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन ठोक देना आप अभी।